अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। दरअसल इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर जमकर रॉकेट दागे गए हैं और यह हमला उस वक्त किया गया जब हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। पूरा मामला है क्या, विस्तार से आपको बताते हैं। जंग की शुरुआत हो गई है क्या? हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देते हुए गाजा का बदला लेना शुरू कर दिया है क्या? लेबनान ने तैयार कर ली है इजराइल की तबाही की स्क्रिप्ट क्या? हिजबुल्लाह ले रहा है अपने कमांडर की मौत का बदला? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इजराइल भी हिजबुल्लाह पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेबनान से सटे इजराइल के आसमान रॉकेट और मिसाइल से फटे नजर आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं तो इलाके में लगातार सायरन की आवाजें सुनवाई दे रही हैं। मध्य पूर्व का महायुद्ध भीषण होता नजर आ रहा है। इजराइल हमास के खात्मे पर काम कर रहा है तो उसे बचाने में लगा हिजबुल्लाह, अब नेतन्याहू के मुल्क पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ी संख्या में ड्रोन और रॉकेट दागे, उत्तरी इजराइल के शहरों को टारगेट किया। एक प्रेमी रिहायशी बस्ती पर रॉकेट और मिसाइल दागे जिससे घरों को नुकसान पहुंचा तो वहीं मनोट कस्बे में एक मुर्गी घर पर अटैक किया गया जिसमें पोल्ट्री फार्म को नुकसान पहुंचाया गया, साथ ही कई मुर्गियां राख हो गई। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह बेरूत में अपने कमांडर की हत्या का बदला ले रहा है और इसीलिए इसराइल पर रॉकेट दाग रहा है। लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने आसमान में आयरन डोम की मदद से हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया। कुवनूले צפון הארץ ומסכל גם איומים רבים אחרים פועל בעוצמה גדולה אין בהגנה כוונולה צפון הארץ ומסכל גם איומים רבים אחרים פועל בעוצמה גדולה אין בהגנה। हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईडीएफ यानी कि इजरायल डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर में अधिकारियों के साथ मीटिंग की जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ रणनीति तैयार की गई है। בוקר טוב, בשעה האחרונה זיהינו היערכות נרחבת של חיזבאללה לירות לעבר עורף מדינת ישראל. לאחר הזיהוי הנרחב, חיל האוויר ופיקוד הצפון החלו לתקוף באופן יזום ורחב מטרות חיזבאללה להסרת איומים שכוונו לעבר אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מסירים איומים על העורף הישראלי.